अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगे हैं ये है खजूर। इसको हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के साथ भरेंगे। इसको स्टफ़ खजूर भी कहते हैं। ये हमने चीज़ें रखी हुई हैं जिनके साथ हमने इसको भरना है। सबसे पहले आपने इसका पेट खाली करना है। इसके अंदर जो खजूरें होती हैं वो आपने छुरी से ऊपर से कट लगा के इसके अंदर से ये घिटक निकाल के साइड पर कर लेनी है और सबको खाली कर लेना है ताकि इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो हम आसानी से भर सकें। ये एक गुठली होती है। सबसे पहले हम एक खजूर के अंदर काजू भरेंगे जितने भी इसके अंदर आ जाए। मेरी एक खजूर के अंदर दो काजू हैं। अगर आपका काजू का साइज छोटा हो तो आपके ज़्यादा भी आ सकते हैं। इसमें तीन आए हैं। अब आपने जो दूसरी लेनी है उसके अंदर आपने ये पिस्ते फिल करने हैं। इस तरह से इसको पूरा खोल के फिर इसके अंदर ये पिस्ते भरने हैं जितने भी आपके आते हैं, जितने आपको पसंद हैं। और फिर आपने इसको ऐसे ऊपर से प्रेस करना है। हमारे पास यहाँ बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, हम उन सबको बारी बारी भरेंगे। और ये हमारे पास यहाँ पे बादाम है जिन्हें हमने भिगोया था। हमने इसको गर्म पानी में और हमने इसके ऊपर से छिलके सारे रिमूव कर लिए थे ताकि इसको भरने में और बाद में खाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। अब ये अखरोट है हमारे पास। अब ये अखरोट भी हमने इसमें उसी तरह से भरने हैं जिस तरह से हमने काजू, पिस्ता और बादाम भरे हैं। इसको ऊपर से प्रेस करना है ताकि ये बाहर ना निकले। फिर जब आप इसको खाएंगे तो आपको खाने में भी आसानी होगी। अखरोट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है इसलिए बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाता। ये तो सारे थे ड्राई फ्रूट्स जो हमने इसमें भर दिया। अब हम क्रश वाले ड्राई फ्रूट्स भी इसमें भर सकते हैं। ये हमारे पास मक्खन है, ये भी हमने खजूर के अंदर भरना है। ये भी बहुत मज़े का होता है। इसको भी ऊपर से आप अच्छे तरीके से प्रेस कर लें। इस तरह स्लाइसेस में लंबे लंबे आपने काटने हैं ताकि आपको इसको भरने में आसानी हो। अच्छा, अब ये हमारे पास हैं ड्राई फ्रूट्स जो हमने क्रश कर लिए हैं। ये हमारे पास अखरोट, पिस्ता, बादाम और ये कोकोनट है। कोकोनट को भी हमने अच्छे तरीके से क्रश कर लिया था। अब इन सबको आपने एक बाउल में मिक्स करना है। इसे अच्छी तरह आपने चम्मच से मिक्स करना है और इसमें आपने 1 टीस्पून थोड़ा सा हनी भी शामिल करना है। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। फिर आपने इसे अच्छी तरह मिक्स करके फिर आपने इसे खजूरों में इसे भी फिल करना है। जितना भी आसानी से फिल हो जाए उतना करके बाकी आपने अच्छी तरह से इसको प्रेस कर लेना। सारी खजूरें हमने फिल कर ली थी बादाम, पिस्ते, अखरोट, काजू और कोकोनट पाउडर के साथ। अब जो हमारे पास ये खजूर है इसको हम टूथपिक इस तरह से लगा के, कोई भी स्टिक आप लगा सकते हैं, और आप इसको चॉकलेट में डिप करेंगे। जौन सी भी चॉकलेट आपको पसंद है। मेरे पास यहाँ पे ब्लैक और वाइट चॉकलेट है। आप इसको
यूँ अच्छे तरीके से डिप करके, इस तरह डिप करके आपने इसको प्लेट में यूँ रखना है। अच्छा, इस तरफ से जाके ऐसे। आप चाहें तो पूरी खजूर भी डिप कर सकते हैं, और चाहें तो खाली इसका जो फ्रंट का ये मुंह है जिसमें आपने चीज़ें फिल की हैं, आप इसको भी इस तरह से वाइट या ब्लैक चॉकलेट जोन सी भी आपको पसंद है, इस तरह से करके आप इसको भी यहाँ पे कर सकते हैं। इसके ऊपर क्रीम लगाएंगे खजूरों के ऊपर। ये देखिए, जहाँ से आपने इसको फिल किया है ना, उसके मुंह को आपने अच्छे तरीके से प्रेस करके ना, तो ये क्रीम आपने इसके ऊपर यूँ लगानी है। ये सारी आपने इस तरह तैयार कर लेनी है। ये हमारी सारी खजूरें तैयार हो गई हैं। हमने आपको 5 तरीके से खजूरें बताई हैं फिल करना। आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह मर्ज़ी करके इसको खा सकते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे। इसको बनाइएगा और इसका फीडबैक हमें दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।